मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली रामनगर कॉर्बेट इको ट्रेन की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रुड़की देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने के साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लद्दाख में सीमा विवाद और भारत के लिपुलेख तक सड़क पहुंचाने के बाद से चीन बौखलाया हुआ है। उसने भारतीय सीमा से सटे क्षेत्रों में पहले की तुलना में ज्यादा सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौहान ने मंगलवार को डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के सतगढ़, संवलसेरा, बगड़ीहाट, अस्कोट और चमलेख आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान ग्राम सभा सतगढ़ का भ्रमण कर क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं ग्राम सभा संवलसेरा में विधायक निधि से नव निर्मित सड़क के साथ ही बगड़ीहाट में निर्माणाधीन NHPC के पावर ग्रिड का औचक निरीक्षण किया। साथ ही चौहान द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज अस्कोट के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक विशेष समुदाय कोरोना वैक्सीन लगाने से बच रहा है, वैक्सीन को लेकर उनमें अब भी संशय है। ऐसे में सामाजिक संगठनों और मीडिया को आगे आकर इन लोगों के दिमाग से वहम को दूर कर वैक्सीनेशन के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी 15 जून को कैची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला नहीं लग पाया। कुछ भक्तों ने तो घर पर ही बाबा नीम करोली महाराज को याद किया, लेकिन कुछ भक्त भवाली स्थित मंदिर पहुंचे और बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ करीब 1000 श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही बाबा के दर्शन किए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 274 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 18 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 3642 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 3,37,449 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की तो देहरादून में 57, अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 12, चमोली में 7, चंपावत में 10, हरिद्वार में 48, नैनीताल में 26, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 16, उधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं है। पिछले 4 वर्षों में भाजपा की सरकार ने जनता को ठगने का कार्य किया है। सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के अन्य इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने, तेज बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं मंगलवार सुबह कुमाऊं के कई इलाकों में बारिश हुई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जाने के बाद से ही राजनीति तेज हो गई है। अब शिवसेना ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से दखल देने की मांग की है। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो, मैं हूं मनोज जिंद्री और आप देख रहे हैं K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। देश विदेश और अपने क्षेत्र की सारी खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी गढ़वाली भाई भूलो तो मैं यू ही बोलूं कि जरूर देखा अपने क्षेत्र की सारी खबरों का वास्ता K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट।